प्यारे तलबा वालबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिछले वीडियो में हमने पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से हैं। आई, वी, यू सिंगुलर के लिए, यू प्लूरल के लिए, ही, शी, दे, इट, वन। तो आज हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस क्या है? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन इज ए वर्ड विच शोज रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्ब ऑन द सब्जेक्ट। पहले बच्चों, आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं कि रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। हम कहते हैं कि मैंने ये काम खुद किया है, यानी खुद लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, या उसने वो काम खुद किया है, हमने वो काम खुद किया है। जैसे आप कोई कहता है कि आपको ये होमवर्क किसने किया है, तो आप कहते हैं मैंने ये होमवर्क खुद किया है। आई डू इट माई सेल्फ, टू माई सेल्फ वर्ड है, इनको हम रिफ्लेक्स प्रोग्राम कहते हैं। आई को आता है माई सेल्फ, वी आवर सेल्फ, यू सिंगुलर के लिए यूर सेल्फ। यानी अगर एक आदमी ये काम किया है कि मैं कहता हूं कि आपने ये कलम खुद खरीदा है, यू बॉट दिस पेन यूर सेल्फ। तो प्लूरल के लिए यू इस्तेमाल करते हैं कि यू डिड होमवर्क यूर सेल्फ। तो इस तरह ही को आता है हिम सेल्फ, शी हर सेल्फ, दे देम सेल्फ, इट इट सेल्फ, वन वन सेल्फ। तो माई सेल्फ, अवर सेल्फ, यूर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ। तो इनको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस। तो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में? आई डिड दिस, या आई डिड इट माई सेल्फ, आई डिड इट माई सेल्फ, यानी मैंने ये काम खुद किया है। इसी तरह वी कुकड फूड और सेल्वस। हमने खुद खाना पकाया है। इस तरह यू डिड इट योर सेल्फ, यू डिड इट योर सेल्फ। सिंगुलर के लिए मैंने इस्तेमाल किया सेंटेंस में यू। तो ये माई सेल्फ या अवर सेल्फ जहां वर्ड आया है, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, इनको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। यानी ये हमें बताते हैं काम के बारे में कि ये काम मैंने खुद किया है। वही कुकुल फूड और सेल्फ, हमने खाना खुद पकाया है। यू डिड इट योर सेल्फ, आपने ये खुद किया है, यानी कोई भी काम। तो इनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। ये हमें वर्ब के रिफ्लेक्शन बताते हैं कि ये काम किसने किया है। तो उर्दू में लफ्ज आता है इसके लिए खुद, यानी मैंने ये खुद किया, मैंने खुद लिखा, या आई रूट इट माई सेल्फ। इस तरह शी रूट इट, शी रूट ए पोयम हर सेल्फ, उसने खुद एक ये नजम लिखी है। शी रूट ए पोयम हर सेल्फ, उसने एक पोयम खुद लिखी। इसी तरह बहुत से एग्जाम्पल हम ले सकते हैं।
हम किस तरह ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या है और उनको हम किस तरह सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। बस।